वेलकम फ्रेंड्स, नमो छात्रा स्वागतम अस्तु। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द प्रोनाउंस ऑफ द संस्कृत। सो लेट्स सी, बिफोर द स्टार्ट दिस वीडियो सी रिक्वायरली फॉर द 15 सेकंड टर्न योर हैंड्स लाइक दिस, यू क्लोज योर आईज, ब्रीद डीपली। फ्रेंड्स, तो चले स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउंस मैंने फर्स्ट पर्सन आपको समझाया था, अब सेकंड पर्सन सिंगुलर हम देखेंगे आज। तो प्रोनाउन को संस्कृत में सर्वनाम कहते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मैंने समझाया था आपको आई, तो आई के लिए आपको वर्ड्स यूज करना है अहम, और यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब आप यूज करोगे अस्मि। ओके, तो सेकंड पर्सन सिंगुलर है त्वम, त्वम मीन्स यू। स्टूडेंट हियर यू यूज असी, असी मीन्स आर। ओके, अस्मि मीन्स एम। ओके, सो यूज द असी फॉर द सेकेंड पर्सन सिंगुलर। ओके, सेंटेंस में प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स, यू आर रेखा। सो स्टूडेंट हम इंग्लिश में कहते हैं यू आर रेखा, इज द सेकेंड पर्सन, इज रेखा। सो रेखा, ओके, यहां पर स्टूडेंट यू के लिए हम प्रयोग करेंगे त्वम रेखा असी, त्वम रेखा असी मीन्स यू आर रेखा। ओके, यू आर ए टीचर, यू आर ए टीचर, यू आर मीन्स त्वम, त्वम ए टीचर मीन्स शिक्षक, त्वम शिक्षक, त्वम शिक्षक, आर मीन्स असि, त्वम शिक्षक असि। ओके, तो स्टूडेंट्स सेकंड पर्सन सिंगुलर के लिए आपको प्रयोग करना है त्वम, एंड सपोर्टिंग वर्ब आप यूज करोगे असि। ओके, सी द मोर एग्जांपल, त्वम बालिका असि, त्वम बालिका असि मीन्स यू आर ए गर्ल। ओके, त्वम छात्रः, त्वम छात्रः असि, यू आर ए बॉय, सॉरी ए स्टूडेंट। और स्टूडेंट छात्र मीन्स बॉय स्टूडेंट होता है, छात्रा मीन्स गर्ल स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू आर ए बॉय स्टूडेंट। त्वम अजय असि, ओके, यू आर अजय। तो इज दियर स्टूडेंट्स, ओके, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, बस यहां पर आपको ध्यान रखना है। ओके, फर्स्ट पर्सन अहम अस्मि, सेकेंड पर्सन त्वम असि, इज दियर स्टूडेंट्स। आपको स्टूडेंट यहाँ पर मैं एक टेबल दे रहा हूँ, वो टेबल के तौर पर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके,
ओके तो स्टूडेंट ये टेबल का प्रयोग करते हुए आप सेंटेंस बनाओगे, तो हम बालक असि, तो हम छात्रा असि, ओके ऐसे सेंटेंस आप बनाओगे। यहाँ पे एग्जांपल आपको दे देता हूँ मैं, तो हम बालक असि एंड स्टूडेंट डोंट फॉरगेट दिस इज द फुल स्टॉप ऑफ द संस्कृत एंड विदाउट द फुल स्टॉप द सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, सो you must put this sign after the sentence, okay? So this is the example. So you have to make the sentence from this table like this, okay? और एक और बात सुनो, आप यही टेबल को फर्स्ट पर्सन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ओके? तो यहाँ पर अहम लिखो, ओके? एंड देन अस्मि, तो यही सेंटेंसेस आप इसी तरह बना पाओगे, अहम बालक अस्मि, अहम छात्रा अस्मि, अहम महिला अस्मि, अहम शिक्षिका अस्मि, ओके? तो ये कम्प्लीटली आपको करना है। नेक्स्ट पीरियड में स्टूडेंट हम देखेंगे सेकेंड पर्सन प्रोनाउन वर्ब, ओके? तो एक्शन में किस तरह प्रयोग किया जाता है, मैंने आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एक्शन में समझाया था, अब देखेंगे सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप ग्रुप में मुझे जरूर कहोगे। थैंक यू वेरी मच, नमो नमः छात्रा, जय हिंद भारत।